खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा शुक्रवार को एक किसान मेला का आयोजन किया गया। हवाल बाग में आयोजित किसान मेले में जिले से दूर दराज के ग्रामीण और काश्तकार पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने काश्तकारों को उन्नत बीजों और लेटेस्ट तकनीक पर जानकारी दी। इस दौरान वैज्ञानिकों ने मटर, मक्का, मड़ुआ और चुआ की 4 प्रजातियों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मेले पर पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने किसानों की आय बढ़ाने के टिप्स दिए। वहीं किसान मेला के दौरान स्थानीय काश्तकारों और उत्पादकों ने स्टॉल लगाए, जिसमें लोकल उत्पादों को बेचा गया। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि कितने किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं और साइंस दान जो हमारे पूरे उत्तराखंड से जो साइंस में रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हैं वो सब यहाँ साइंस दान यहाँ पर हैं और किसानों के साथ संवाद भी होगा और किसान कितने जागरूक है सब जो स्टॉल्स भी यहाँ पर बहुत एक से एक अच्छे अच्छे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। सब तकनीकियों का प्रदर्शन भी हुआ है और ये तकनीकियाँ खेत तक पहुँच रही हैं। हमारी जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसान की आमदनी को हम कैसे बढ़ाएं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 से ही ये ड्राइव चलाया, पूरे कंट्री में हम लोगों ने ये कार्य किया है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, दुगुनी तिगुनी चारगुनी कैसे की जाए, तो उस दिशा में ये संस्थान बहुत बड़ा काम कर रहा है और बहुत अच्छी रिसर्च यहाँ पर हो रही है जो किसान के खेत पर लगातार पहुँच रही है और बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें आज जो है 4 नई प्रजातियां विमोचित की जाएंगी जो किसानों को लोकार्पण उनका होगा, जिसमें एक मटर की प्रजाति है VL उपहार करके, एक संस्थान ने अभी नई प्रजाति बनाई है मक्का में जो कि उस पर 3 जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हैं, इसलिए उसका नाम हमने VL त्रिपोशी रखा है। तो उसमें एक तो क्यूपियम की क्वालिटी है, दूसरा उसमें जो विटामिन ए की चाहिए रिक्वायरमेंट वो जो सामान्य मक्का है उससे 3 गुनी है, और तीसरी जो है लो फाइटेट, ये फाइटेट का बड़ा रोल है क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसको शरीर को अवेलेबल कराने में अगर फाइटेट ज़्यादा होगा तो वो रुकावट डालता है, तो ये उसमें कम है, तो ये है। और मड़ुआ की प्रजाति एक हम लोकार्पित करेंगे और एक चूहा की प्रजाति जो कि अखिल भारतीय स्तर पर विमोचित की गई है उसका लोकार्पण यहाँ पर होगा।